फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को क्रैश होते हुए देखते हैं जो समंदर में गिर जाता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम तेजस होता है। वो अपनी को पायलट आफिया के साथ उस क्रैश हुए एयरक्राफ्ट के पायलट को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने जाती है। वो क्रैश हुआ एयरक्राफ्ट समंदर में गिरा होता है। फिर तेजस एक आइलैंड के बीच पर उस एयरक्राफ्ट के पायलट विवेक को बड़ा देखती है, लेकिन उनके सीनियर ऑफिसर उन्हें उस आइलैंड पर जाने की परमिशन नहीं देते। वो कहते हैं उस आइलैंड पर जाना रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं, उन्होंने पहले वहाँ कुछ लोगों को मारा भी है, इसलिए वो उन्हें वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते। लेकिन तेजस अपने सीनियर की बात नहीं मानती और वो पायलट विवेक को बचाने उस आइलैंड पर चली जाती है। फिर जब वो विवेक को ले जाने वाली होती है तभी वहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल आ जाते हैं। फिर वो विवेक को अपने कंधे पर उठाती है, फिर आफिया हेलीकॉप्टर से सही वक्त पर टेक ऑफ कर लेती है, लेकिन तभी वो ट्राइबल लोग उन पर तीर फेंकते हैं जो तेजस पर लग जाते हैं, जिससे वो घायल हो जाती है। इसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब तेजस की एयरफोर्स में ट्रेनिंग चल रही थी। वो सभी पायलट्स में सबसे होशियार थी और ट्रेनिंग में ही उसकी मुलाकात आफिया से हुई थी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। तेजस को जब पहली बार फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने को मिला था तो वो बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थी, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाना बचपन से ही तेजस का सपना था। इसके बाद प्रेजेंट में तेजस को अस्पताल में दिखाया जाता है। उसे जब होश आता है तो वो कहती है मैं यूनिट पर कब वापस जा सकती हूँ। तो आफिया उससे बताती है अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही हमें दिल्ली जाना होगा। फिर वो दोनों दिल्ली चले जाते हैं जहाँ पर उनके सीनियर ऑफिसर उन्हें बहुत डांटते हैं और कहते हैं तुमने बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं, तुमने ऐसे सेंसिटिव एरिया में एंटर किया है जहाँ पर जाना सख्त मना है। फिर वो सीनियर ऑफिसर उन्हें कहता है ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए और उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देता है। इसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो पायलट विवेक, जिसे उन्होंने रेस्क्यू किया था, वो उन्हें थैंक यू बोलने आता है और तेजस को साथ में लंच पर चलने को कहता है। फिर तेजस फ्लैशबैक को याद करती है जब वो एक बार एक लाइव कॉन्सर्ट में गई थी जिसमें निखिल परफॉर्म कर रहा था जो कि एक सिंगर है। अब कॉन्सर्ट पूरा होने के बाद तेजस वहाँ एक लड़के को देखती है जो एक लड़की को छेड़ रहा होता है। इसके बाद वो उसी के पीछे वॉशरूम में जाती है और वहाँ उसे पीटती है। उस वक्त निखिल भी वहीं होता है जो ये देखकर तेजस से बहुत इम्प्रेस होता है। फिर वो तेजस से मिलता है और जो उसने किया है उसके लिए तेजस की तारीफ़ करता है। फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं और फिर दोनों में प्यार हो जाता है। फिर एक दिन निखिल तेजस की फैमिली से मिलने उनके घर आता है जहाँ पर तेजस के पापा बताते हैं कि वो एक इंजीनियर हैं और उन्हीं की कंपनी में तेजस एयरक्राफ्ट बना था, इसलिए मैंने अपनी बेटी का नाम भी तेजस रखा। फिर एक दिन जब वो सब रेस्टोरेंट में गए होते हैं तो तभी वहाँ पर टेररिस्ट हमला कर देते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। ये जो हमला होता है ये 26/11 वाला हमला दिखाया जाता है। इस हमले में तेजस की पूरी फैमिली और निखिल मारा जाता है, केवल तेजस बचती है। इसके बाद फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तेजस आर्मी बेस में होती है, वहाँ टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट ने एक इंजीनियर को अगवा कर लिया है। आफिया तेजस से कहती है कौन है यह इंजीनियर, तो तेजस कहती है इंडियन स्पाई है क्योंकि इतना टॉर्चर कर रहे हैं फिर भी मुंह नहीं खोल रहा है। आफिया तेजस से कहती है इसकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है। इसके बाद तेजस अपने रूम में उस इंडियन स्पाई की वीडियो को बार बार देखती है और उसे जूम करके भी देखती है। फिर उसे याद आता है कि ये वही आर्मी ऑफिसर है जिससे उनकी मुलाकात एक बार ट्रेनिंग के दौरान हुई थी, जिसका नाम रवि था। उसने उस वक्त एक बात बोली थी कि वो देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है और फिर वो एयरफोर्स से अचानक से गायब हो गया था। अब तेजस वीडियो में रवि को बार बार पलकें झपकाते हुए देखती है जिससे उसे समझ आता है कि रवि कुछ कोड लैंग्वेज में बताना चाहता है। फिर तेजस और आफिया लाइब्रेरी में कोड लैंग्वेज वाली बुक के जरिए इसका मतलब खोजते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि रवि कहना चाह रहा है कि इंडिया के लिए कुछ बड़ा खतरा है। इसके बाद वो इस बारे में अपने सीनियर्स को बताती है और वो उन्हें कहती है कि हमें रवि को पाकिस्तान से रेस्क्यू करना चाहिए, तभी हम उन आतंकवादियों के खौफनाक प्लान को रोक पाएंगे
क्योंकि रवि ही जानता है कि आतंकवादी क्या प्लान करने वाले हैं। तेजस की बात से सभी सहमत होते हैं, लेकिन वो उसे इस मिशन में शामिल नहीं करते। इससे तेजस काफ़ी उदास हो जाती है, लेकिन वो बाद में फिर से अपने सीनियर ऑफिसर से इस मिशन में शामिल होने की रिक्वेस्ट करती है। फिर उसके सीनियर ऑफिसर उस ऑफिसर से बात करते हैं जिन्होंने तेजस को ट्रेनिंग दी थी। वो उन्हें बताते हैं कि अगर ये मिशन आसान है तो आप तेजस को इसमें शामिल मत कीजिए, लेकिन अगर ये मिशन मुश्किल है तो आप तेजस को इसमें ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि जो काम कोई नहीं कर सकता वो तेजस कर सकती है। इसके बाद वो सीनियर ऑफिसर तेजस को उस मिशन में शामिल कर लेते हैं। फिर इंडियन एयरफोर्स प्राइम मिनिस्टर से इस मिशन की परमिशन लेते हैं और प्राइम मिनिस्टर इस मिशन के लिए परमिशन दे देते हैं। इसके बाद रवि को रेस्क्यू करने के लिए तेजस प्लान बताती है कि नॉर्वे का कार्गो प्लेन जो कि पाकिस्तान के लिए खाद वगैरह लेकर जाता है, उसी के जरिए हम अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान लेकर जाएंगे और फिर वहीं पाकिस्तान से ही वो उड़ान भरेंगे, क्योंकि अगर इंडिया से पाकिस्तान में एंट्री करेंगे तो पाकिस्तानी एयरफोर्स को पता चल जाएगा। इस मिशन में नॉर्वे भी इंडिया की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तेजस इस मिशन में आफिया को भी अपने साथ शामिल कर लेती है। फिर प्लान के मुताबिक नॉर्वे की कार्गो प्लेन से पाकिस्तान वो पहुंच जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सोल्जर को नॉर्वे के पायलट्स पर शक हो जाता है, क्योंकि जिस रनवे पर उन्हें उतरना था वो उस पर न उतर कर दूसरे रनवे पर उतरते हैं। इसके बाद पाकिस्तानी सोल्जर नॉर्वे के पायलट से चेकिंग के लिए प्लेन को खोलने के लिए कहते हैं। ये सुनकर वो पायलट घबरा जाता है और चेकिंग से बचने के लिए वो पाकिस्तानी ऑफिसर से कहता है, इसमें केवल खाद है, आप इसे चेक नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट के ज़रूरी पेपर भी इसमें हैं। जिस पर वो पाकिस्तानी सोल्जर कहता है, पाकिस्तान में हर चीज़ आर्मी डिसाइड करती है, गवर्नमेंट नहीं। फिर वो उस कार्गो प्लेन में चढ़ते हैं और चेकिंग करते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि उन फाइटर प्लेन को खाद के बॉक्स के बीच में छुपाया होता है। इसके बाद पाकिस्तानी ऑफिसर्स के प्लेन से जाने के बाद तेजस और आफिया रनवे पर कुछ स्क्रीन लगा देते हैं। वो स्क्रीन से इल्यूजन क्रिएट करती है जिससे वो फाइटर प्लेन किसी को नहीं दिखते। फिर वो नॉर्वे का कार्गो प्लेन वहाँ से चला जाता है। अब जहाँ वो टेररिस्ट थे वो जगह उस रनवे से कुछ दूरी पर थी। तेजस और आफिया पैदल उस जगह पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि आतंकवादी रवि को मारने वाले होते हैं, जिसके बाद तेजस और आफिया वहाँ बहुत से बॉम्ब फिट कर देते हैं और फिर उन्हें ब्लास्ट करती है। फिर वो उन आतंकवादियों पर धावा बोलकर उन्हें मार देते हैं। फिर वो रवि को उठाते हैं। रवि उन्हें बताता है कि आज राम मंदिर पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। ये सुनकर तेजस को याद आता है कि आज राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसमें वहाँ हजारों लोग आने वाले हैं। इसके बाद राम मंदिर का सीन दिखाया जाता है जहाँ दूध के टैंकर में छिपकर कुछ टेररिस्ट मंदिर के अंदर एंटर हो जाते हैं। फिर वो वहाँ एक पुजारी को मार देते हैं और फिर अपने मास्टरमाइंड खातून को कॉल करते हैं, लेकिन जब वो कॉल पाकिस्तान जाता है तो इंडियन खुफिया एजेंसी को पता चल जाता है। उस कॉल ट्रैकिंग से राम मंदिर की लोकेशन का पता चल जाता है, जिसके बाद आर्मी के सोल्जर वहाँ पहुँचते हैं और उन आतंकवादियों को मार देते हैं। फिर तेजस और आफिया को दिखाया जाता है जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का सामना करते हुए इंडिया की बॉर्डर के अंदर पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी तेजस अपने सीनियर से उन आतंकवादियों के मास्टरमाइंड की लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स मांगती है ताकि वो उन्हें ख़त्म कर सके। उसके सीनियर उसे मना करते हैं और वापस आने को कहते हैं, तो तेजस कहती है, सर मैं नहीं चाहती कि 26/11 जैसा हमला फिर से इंडिया में हो। आज हमने 3 को मारा है, लेकिन वो मास्टरमाइंड फिर से 100 को खड़ा कर देगा और फिर से हमारे देश पर हमला करेगा। हमें उस मास्टरमाइंड खातून को मारना ही होगा। अगर वो इन कोऑर्डिनेट से बाहर चला गया तो वो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। प्लीज़ मुझे कोऑर्डिनेट दीजिए। तो उनके सीनियर ऑफिसर कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई मिसाइल बची है? तो तेजस कहती है, हाँ मेरे पास एक मिसाइल है। फिर तेजस आगे कहती है, सर आपने ही कहा था जब तुम डाउट में हो तो देश के बारे में सोचो। जिसके बाद तेजस के सीनियर ऑफिसर उसे कोऑर्डिनेट दे देते हैं। तेजस आफिया से रवि को अपने साथ इंडिया ले जाने को कहती है। फिर जब वो प्लेन से मिसाइल को छोड़ती है तो मिसाइल अटक जाती है और वो प्लेन भी ख़राब हो जाता है। तेजस कहती है, ये प्लेन मैं दोबारा लैंड नहीं करा सकती। फिर वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके अपने प्लेन को ही मास्टरमाइंड खातून के कैंप के ऊपर गिरा देती है, जिससे खातून और उसके आदमी मारे जाते हैं और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।